वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वो मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग है, और जिसे हम लोग एरियल लिफ्ट एस्का फोल्ड भी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में हजार्ड क्या होते हैं, यानी क्या खतरे हैं, और उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना आवश्यक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म, मोबाइल एलिवेटिंग या एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स आर मोटराइज्ड व्हीकल। मोटराइज्ड व्हीकल का मतलब यहां पर इंजन या मोटर से चलने वाली व्हीकल, या ट्रेलर्स विद पावर्ड एक्सटेंडिंग आर्म्स सपोर्टिंग ए वर्क क्रेडल, यानी कि या फिर एक ऐसा ट्रेलर हो, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो विद जिसके अंदर कोई पावर्ड एक्सटेंडिंग आर्म हो। पावर एक्सटेंडिंग आर्म, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसके आर्म हैं, हाथ हैं, लेकिन ये पावर्ड हैं, यानी किसी पावर के साथ में चल रही हैं। एक्सटेंडिंग आर्म सपोर्टिंग ए वर्क क्रेडल, यानी उसके आगे एक सपोर्ट में लगा हो एक वर्क क्रेडल, यानी कि एक यहाँ पर एक ऐसा पिंजड़ा लगा हो जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो गाइस, ये मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म था, जिसे हम लोग MEWP भी कहते हैं। यहाँ पर गाइस हम डिस्कस करेंगे कि मेन हजार्ड एसोसिएटेड विद मोबाइल टावर एस्काफोल्ड या मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसके हजार्ड्स क्या होते हैं उसको प्रयोग करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हजार्ड गाइस हमको मिलता है वो फॉल्स फ्रॉम द वर्क प्लेटफॉर्म, यानी ऊंचाई से गिर जाने का खतरा। कोई वर्कर्स अनसेफ तरीके से काम कर रहा है, यानी क्रेडल के ऊपर लटक के काम कर रहा है, दूरी को एक्सेस पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, वर्क प्लेटफॉर्म से गिर सकता है। दूसरा जो खतरा होता है वो ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम द वर्क प्लेटफॉर्म, ऊपर रखा हुआ कोई टूल है उसका, जो कि उसके हाथ से छूट करके नीचे किसी व्यक्ति के सर पे गिर सकता है, या कोई वस्तु गिर सकती है उसके ऊपर। तीसरा हजार्ड जो होता है, कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी जो आपका जो स्ट्रक्चर्स है, जो जिसके पास में आप काम कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर ही आपके ऊपर गिर जाए, तो कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर हजार्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट हजार्ड आप देखेंगे कि ओवरटर्न, टॉपलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स, यानी आप जिस मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म, जिस व्हीकल्स पे आप काम कर रहे हैं, उसका ओवरटर्न हो जाना, पलट जाना या ट्रिप कर जाना, ये हजार्ड अक्सर ये तब देखा जाता है, या कोई रोड के किनारे आपकी जो MEWP मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, और आप कोई ऑपरेटर आपको ऊपर, प्लेटफॉर्म आपका ऊपर ही और वो चलाने लगा, तो ऊपर का प्लेटफॉर्म किसी स्ट्रक्चर से टकरा जाए तो वो ट्रिप कर सकती है, गिर सकती है, ओवरटर्न हो सकती है, या स्पीड से चलाने पर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, या किसी व्हीकल्स के लड़ जाने से कि वो रोड के किनारे आप खड़े होकर के काम कर रहे थे, आपकी व्हीकल्स थी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, और वो टकरा गई और उसकी वजह से वो घटना घटित हुई। तो ओवरटर्न कई फैक्टर की वजह से होता है। अनइंटेंडेड मूवमेंट ऑफ द व्हील्स, अनइंटेंडेड मूवमेंट का मतलब होता है कि आपने उसको कहीं पर प्लेस कर रखा है, खड़ा कर रखा है, और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो और ना चाहते हुए भी उसकी व्हील मूव कर गई, यानी हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं किया, या फिर आपने उसके टायर को सपोर्ट नहीं दिया, इसकी वजह से वो अनइंटेंशनली स्लोप ढाल होने की वजह से मूव करना शुरू हो गई। और लास्ट हजार्ड हमारा होता है कॉन्टेक्ट विद लाइव ओवरहेड्स, जो कि बहुत ही कॉमन सा हजार्ड होता है, जिससे बहुत अधिक बचना होता है। ऊपर की बिजली की जो लाइंस होती हैं, ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं, उसके कांटेक्ट में आ जाना। तो गाइस, उसके लिए हम लोग पहले से एक रिस्क असेसमेंट करते हैं कि MEWP को यूज़ करने में कोई ख़तरा तो नहीं है, तो सारे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद कंट्रोल मेजर्स उसका अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद वर्क करते हैं। सो गाइस, ये हमारे एसोसिएटेड हजार्ड्स थे जो MEWP किस रिलेटेड थे, और निबोश में ये बहुत, निबोश IGC 2 इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट 2 में ये अक्सर ये पूछा जाता है। फिर हमारा टॉपिक आता है कि सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर यूज़ ऑफ MEWP, यानी जो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके रिगार्डिंग सेफ्टी कैसे की जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है कि सबसे पहले, पहली सेफ्टी में व्हीकल साइटेड ऑन फर्म स्टेबल ग्राउंड, सबसे पहली चीज़ तो उसको एक फर्म यानी मजबूत और स्टेबल ग्राउंड पे ही आप खड़ा करिए।
दूसरा सफिशियंट क्लियरेंस फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस एंड ओवरहेड्स व्हेन ऑपरेटिंग, और जो ओवरहेड्स हैं आपकी जैसे बिजली का तार है या कोई स्ट्रक्चर से, उससे एक निश्चित दूरी को मेंटेन करिए। बिजली का तार है तो कम से कम 10 फीट की दूरी को मेंटेन करेंगे। तीसरा है बैरियर्स अराउंड द MEWP, यानी मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म के चारों तरफ आप एक कॉशन टेप या बैरियर लगा दीजिए टू प्रिवेंट इट बींग स्टक बाई व्हीकल्स ओवर द मोबाइल प्लांट, ताकि कोई दूसरी गाड़ी से ये टकरा ना जाए। और उसके बाद बैरियर ऑल्सो एक्ट टू कीप पीपल आउट फ्रॉम द अंडरनीथ द कैटेड्रल, और जो बैरियर होता है वो आपके नीचे कोई व्यक्ति को आने नहीं देता है, तो आपके ऊपर से कोई वस्तु अगर गिरती है तो उसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट हजार से भी बचाता है। नेक्स्ट होता है गार्ड रेल्स इनकॉर्पोरेटेड इन टू द क्रेडल, यानी आपकी जो क्रेडल है, जो आपका पिंजड़ा है जिसके अंदर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, उसके अंदर गार्ड रेल बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होने चाहिए। सेफ्टी हार्नेस वॉर्न एज एन एडिशनल बैकअप, यानी उसके ऊपर एक सेफ्टी हार्नेस का भी प्रयोग करिए, और एडिशनल बैकअप में ये सेफ्टी हार्नेस उस समय बचाएगा आपको कि आप काम कर रहे हैं या कोई ऑपरेटर काम कर रहा है और कोई गाड़ी आकर व्हीकल्स टकरा गई और आपको झटका लगा, आप नीचे गिर गए, तो उस समय आपको ऊंचाई से गिरने से बचाएगा सेफ्टी हार्नेस। नेक्स्ट बताता है फिफ्थ जो प्रिकॉशन बताया जाता है वो कंट्रोल ऑफ MEWP शुड बी इनसाइड द क्रेडल, यानी कि जो ऑपरेटर ऊपर है वो उसके पास इसका कंट्रोल हो कि वो ऊपर कर सके उसको या नीचे कर सके या रोक सके। सो दैट द पर्सन एक्चुअली वर्किंग एट हाइट हैज़ सम कंट्रोल, ताकि ऊपर काम करने वाले व्यक्ति के पास ही कुछ कंट्रोल है, यानी कि ऊपर बिजली की लाइन थी और नीचे से वो ऊपर से बंदा बहुत ही तेज चिल्ला के कह रहा था कि रोक लो, लेकिन मिसकम्युनिकेशन या नॉइस हजार्ड की वजह से ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया या सुना नहीं और उसने उसको बिजली की लाइन से टच कर दिया। तो ऐसे हजार्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए मैन्युफैक्चरर ने कंट्रोल जो है वो क्रेडल में ही रखे हैं, यानी ऊपर ही रखे हैं। सिक्स है मस्ट नॉट बी ड्राइवन विद द क्रेडल रेस्ट अनलेस स्पेसिफिकली डिजाइन टू डू सो, और जब भी उसका क्रेडल ऊपर की तरफ उठा हुआ है तब उसको आप नीचे से आप चलाइए मत। अगर स्पेशल केस में मैन्युफैक्चरर ने उसको इसी तरीके से बनाया है तो आप उसको कर सकते हैं। फिर सेवन्थ जो प्रिकॉशन बताई जाती है कि मस्ट नॉट बी ओवरलोडेड, यानी जो क्षमता बताई गई है मैन्युफैक्चरर के द्वारा आप उतने ही लोड पे उसको आप यूज़ करें। फिर एट प्रिकॉशंस है मस्ट बी इंस्पेक्टेड एज एन आइटम ऑफ लिफ्टिंग, और उसको लिफ्टिंग की आइटम्स या इक्विपमेंट्स की तरह ही आप उसको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे इंस्पेक्शन में आप क्या इंस्पेक्ट करेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेशर उसका ठीक है कि नहीं है, फंक्शन उसका काम कर रहा है, इमरजेंसी स्टॉप उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टायर के चारों टायर के उसके प्रेशर जो है वो सही है, बराबर है कि नहीं है, चूँकि एक में कम या एक में अधिक होने से टॉपलिंग के केसेस बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा भी जो भी उसके कंट्रोल मेजर्स हैं, जो इमरजेंसी कंट्रोल मेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें यूज़र्स है, यानी कि जो क्रेडल में जा करके काम उसको ऑपरेट करने जा रहा है, उसकी कॉम्पिटेंसी को भी आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए। और नाइन्थ जो हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन है वो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेन फ्रेंड एंड अथोराइज्ड स्टाफ ओनली, यानी कि उसको सिर्फ ट्रेंड और अथोराइज्ड एम्प्लॉय ही उसको यूज़ कर सकता है, बाकी अनट्रेंड और जो नॉन अथोराइज्ड गाइज हैं उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सो ये गाइज हमारा जो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि निबोश IGC 2 में इसके बहुत ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 4 नंबर्स और 8 नंबर्स में। होप सो कि इसने आपकी नॉलेज को बढ़ाया होगा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।